और ये पेनाल्टी शूट आउट होता हुआ बीएसके कॉलेज बररवा वर्सेस गोकुलपुर पाकुड़। ये पहला पेनाल्टी शूट आउट चार नंबर जर्सी के द्वारा गोकुलपुर की ओर से। और ये अच्छा बचाव, अच्छा गोलकीपर बीएसके बररवा कॉलेज की ओर से एक अच्छा बचाव किया। और बीएसके कॉलेज से पहला पेनाल्टी शॉट आउट लेने के लिए आए हैं नाइकी। और ये काफी अच्छा गोल नाइकी के द्वारा। और गोकुलपुर की तरफ से दूसरा पेनाल्टी शूट आउट लेने के लिए आए हैं जॉन। और ये भी नाकाम गोल करने में, जर्सी नंबर 8 गोकुलपुर की ओर से जॉन, जो कि दूसरा शॉट लेने आए थे लेकिन गोल करने में नाकाम रहे। और बीएसके कॉलेज से दूसरा पेनाल्टी शूट आउट लेने के लिए आए हैं मंडी अमरम। और ये काफी अच्छा गोल मंडी की ओर से मंडी अमरम। और गोकुलपुर की ओर से तीसरा पेनाल्टी शूट आउट के लिए मांझी हसदा जर्सी नंबर 10 आए हैं। और गोकुलपुर की ओर से तीसरा पेनाल्टी शूट आउट करने के लिए अभी तक एक भी गोल अर्जित नहीं कर पाए हैं गोकुलपुर। और काफी अच्छा गोल जर्सी नंबर 10 के द्वारा मांझी। और बीएसके कॉलेज की ओर से तीसरा पेनाल्टी शूट आउट करने के लिए आ रहे हैं प्रधान सोरेन। और अभी तक दो गोल कर चुकी है बीएसके कॉलेज बररवा की टीम। और काफी अच्छा बचाव गोलकीपर गोकुलपुर के भी कम नहीं है, इन्होंने भी अपना दम कम दिखाया और एक गोल को बचाया। और गोकुलपुर की ओर से चौथा पेनाल्टी शूट आउट लेने के लिए तैयार खिलाड़ी। और काफी अच्छा गोल, शानदार गोल जर्सी नंबर 12 गोकुलपुर की ओर से। और बीएसके बररवा कॉलेज की ओर से चौथा पेनाल्टी शूट आउट लेने के लिए खिलाड़ी तैयार। और काफी अच्छा गोल
जर्सी नंबर 5 के द्वारा, और ये गोकुलपुर की ओर से 5वां पेनाल्टी शॉट आउट लेने के लिए तैयार गोकुलपुर के खिलाड़ी। और ये काफी खराब शॉट, और इसके साथ ही बीएसके कॉलेज बररवा इस पेनाल्टी शूट आउट में विजय हो गए और आगे का सफर उनका जारी रहेगा।